Hello students, in today's lecture we are going to discuss about skeletal system. So first of all, what is a skeletal system? Skeletal system is a system which is comprises of bones. आपकी body में जितनी भी bones हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? Skeletal system बनाती हैं. तो आप skeletal system को दो parts में हम divide कर सकते हैं. पहला क्या है आपका? Axial skeletal system. दूसरा क्या है? Appendicular skeletal system. See, जो आपका अपेंडिकुलर है, फर्स्ट हम लोग इसको बिल्कुल अलग कर देते हैं क्योंकि दोनों को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. पहला जो है एक्सियल स्केलेटन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो अगर आप बात करते हो टोटल बोन्स, स्केलेटल सिस्टम सिंपल है, बोन से मिलके बना हुआ है. टोटल बोन कितनी होती है एक अगर एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक एडल्ट जो है उसमें आपकी जो टोटल बोन होगी वो कितनी होगी हेल्दी एडल्ट में? 206. ओके, आउट ऑफ 206 जो आपकी 80 बोन्स है वो किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का है. कितना बचा? 126 कहाँ आती है आपकी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में. ठीक हो गया. तो दो पार्ट में हमने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड कर दिया. तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, एक्सियल को भी साइड रखते हैं फर्स्ट, इसे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ. कैसे? देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी लिम्स में जितनी भी बोन है, लिम्ब कौन कौन से? अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. अपर लिम्ब मतलब आपके हाथ, ठीक है? लोअर लिम मतलब पैर. तो हाथ और पैर जो अपर लिम और लोअर लिम की बोन है, और जो आपके गर्डल्स हैं जिनमें ये लिम फिक्स होते हैं. सपोज अगर आप अपर लिम की बात करते हो, ठीक है, तो आपका हाथ कहाँ पे फिक्स है? आपके शोल्डर गर्डल पे, है ना? आपके शोल्डर पे जो गर्डल बना हुआ है, जो फोसा है, उसमें जाके आपके लिम अटैच होते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, शोल्डर गर्डल है. वैसे ही सेम जो आपके लेग्स हैं, वहां पे कौन सा गर्डल है आपका? लेग कौन से गर्डल में आपके अटैच होते हैं? पेल्विक गर्डल में. जो आपकी हिप बोन है बेसिकली वो क्या करती है? गर्डल फॉर्म करती है, एक फोसा तैयार करती है जिसमें आपके लिम्स अटैच होते हैं. सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आने वाला है? बोन्स ऑफ अपर लिम, हाथ की बोन, बोन्स ऑफ लोअर लिम, पैर की बोन, एंड प्लस बोन्स ऑफ शोल्डर गर्डल. वो कौन सी बोन है जो शोल्डर गर्डल बनाती है? और बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, जिसमें आपका क्या होने वाला है, जो आपके लेग्स हैं वो आपके लोअर लिम्ब हैं वो अटैच होंगे. तो इतना आप दिमाग में रखें कि ये सब चीजें किसमें आने वाली है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में. अब इनको छोड़ के बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल स्पेशली फोकस ऑन एक्सियल स्केलेटन एंड वी विल सी कि आपकी जो ये 80 बोन है ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होती है, कहाँ कहाँ पे ये बोन्स प्रेजेंट होती है. इंडिविजुअली सारी बोन्स को इनके नाम के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ है. तो स्टार्ट करते हैं. तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एक्सियल स्केलेटन है, तो मैं अपेंडिकुलर को यहां से हटा देती हूँ. चलिए, आउट ऑफ 80 कौन कौन सी बोन है? सबसे पहले आते हैं बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है? जो हमारा स्कल है, ये पूरा जो स्कल है इसमें जो बोन्स हैं कितनी होती हैं? देखो, आउट ऑफ 80 22 बोन्स कहाँ होती हैं? हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं. अब जो ये पूरा स्कल है, ये वाला एरिया, आपका फेस वाला एरिया, ये जो आपका है टोटल 22 है, लेकिन इसे फर्दर हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं स्कल की जो बोन को. वन इज क्रैनियम एंड अनदर वन इज फेशियल, ठीक है? एक तो कौन सी हो गई? क्रैनियल बोन, यानी कि ये वाली जो बोन है ये सारी क्या है? क्रैनियल बोन है. फेशियल मतलब जो फेस में प्रेजेंट है. तो देखें, क्रैनियल क्रैनियल बोन कितनी है हमारे पास? 8 हमारी क्रैनियल बोन है. आउट ऑफ 22 8 आपके पास क्रैनियल है, बची कितनी? 14 क्या है आपकी? फेशियल बोन है. अब स्टार्ट करते हैं क्रैनियल बोन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. कौन कौन सी होती है? देखो, क्रैनियल ये वाला हिस्सा मैंने बोला, ये वाला, ये क्या है आपकी? फ्रंटल बोन. जो फ्रंट में प्रेजेंट है वो क्या है आपकी? फ्रंटल बोन. कितनी होती है फ्रंटल बोन? ये फ्रंट में जो है कितनी है? 1 इन नंबर, ठीक है? दूसरी हमारे पास कौन सी है? पेराइटल. पेराइटल कहां पे होती है आपकी? दो है,
क्राउन पे, यहाँ पे एक इस साइड है एक इस साइड है, क्राउन पे आपकी जो है ये कौन सी है आपकी पैराइटल बोन है, तो दे आर टू इन नंबर, ध्यान रखिएगा क्राउन में बेसिकली। थर्ड हमारे पास कौन सी है, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल भी कितनी होती है टू इन नंबर, टेम्पोरल कितनी है आपकी एक इस साइड में है, दोनों साइड हाथ रखिए, एक इस साइड ठीक है, एयर के जस्ट पीछे यहाँ पे हाथ रखो, कि दो बोन आपकी क्या है टेम्पोरल, तो टेम्पोरल कितनी हुई दो। नेक्स्ट वी हैव ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कितनी होती है वन, ऑसिपिटल कहाँ पे है आपकी यहाँ पे बैक साइड पे ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है ऑसिपिटल है, तो ऑसिपिटल कितनी हुई वन। इसके अलावा पहले हम इसी को मेंशन कर देते हैं जस्ट, फिर मैं इसे हटा दूंगी यहाँ से। फिफ्थ नंबर ऑफ बोन जो कि क्रैनियम में ही आती है आपकी, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। फिफ्थ नंबर ऑफ बोन इज इथमोइड बोन, इथमोइड बोन बेसिकली क्या होती है आपकी, ये वो बोन है जो आपके आई के ऑर्बिट को बनाती है ठीक है, जो आपकी आईज है ना आपकी आई बॉल जिसमें फिक्स हुई है, वो जो ऑर्बिट है आपका ये पूरा दोनों साइड साइड कॉर्नर पे आप हाथ लगाएंगे, वो कौन सी बोन से मिलके बनता है इथमोइड बोन से, और भी बोन इन्वॉल्व होती है बट इथमोइड उनमें से एक है जो नेजल कैविटी के पास पे रहेगी ठीक हो गया। तो ये इथमोइड है, इथमोइड कितनी होती है आपकी वन इन नंबर। नेक्स्ट वी हैव स्फिनॉइड, स्फिनॉइड बोन ये भी आपकी कितनी होती है वन इन नंबर। नाउ स्फिनॉइड कहाँ पे है आपका, स्फिनॉइड पूरी यहां से लेके पूरा यहां से स्टार्ट करो पूरे में है आपकी ठीक है, इसीलिए एक है नंबर में, जैसे इथमोइड बिल्कुल सेंटर में थी ना एक ही थी, ऑर्बिट को बना रही है दोनों साइड से, ये वाली आई का ऑर्बिट भी और ये वाली आई का ऑर्बिट सेंटर में है, वैसे ही स्फिनॉइड पूरे में फैली हुई है और इसका मेजर पोर्शन ये वाले एरिया में आता है, तो स्फिनॉइड कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक है। तो स्फिनॉइड कितनी है एक है, वन है पूरी एक्सटेंड हुई है आगे से, और ये बोन्स आप फ्रंट से नहीं देख सकते हो, आपको एंटी आपको पोस्टरली देखना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट से आपको ये बोन नहीं दिखने वाली है ठीक है। तो ये रही आपकी स्फिनॉइड, सो टोटल बोन आई थिंक एट बोन्स हमारी कवर हो गई, 1+2, 3, 3+2, 5, 6, 7, 8, 8 बोन्स क्रैनियम की कवर हो चुकी हैं। नाउ वी हैव टू कवर 14 बोन ऑफ फेशियल है ना, क्रैनियम हो चुकी है, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट दी फेशियल बोन, कितनी है फेशियल 14 है, चलो करते हैं फेशियल कौन कौन सी है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बोन से, कौन सी फर्स्ट बोन करें, ये वाली चीक बोन, चीक में जो बोन प्रेजेंट है क्या बोलते हैं इसे, क्या नाम है इसका, जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, ये क्या है चीक बोन, दोनों एक एक साइड है यहां भी तो कितने हुए टोटल नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर जाइगोमैटिक, चलो चीक बोन कवर हो गई, अब बात करते हैं आपकी किसकी, यहां की लिप्स के ऊपर जो आपकी बोन है ये क्या है मैक्सिला, और यहाँ पे क्या है आपकी मैंडिबल ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो आपकी अपर जॉ ठीक है, ये बोन्स हैं ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ में कितनी बोन होती है दो होती है, लोअर जॉ में केवल एक सिंगल बोन होती है, सो अपर जॉ की बोन का नाम क्या है मैक्सिला, और मैंने बताया अपर जॉ में जो बोन है वो कितनी है 2, और नीचे लोअर जॉ में जो बोन है मैंडिबल ये कितनी है केवल 1, सो ये आपने ध्यान में रखना है, ये भी कवर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेजल कैविटी ठीक है, नाक की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे विद द नेजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन अपने जो आपका नोज है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, यहाँ पे आपकी दो बोन्स होती हैं जो कंबाइंड होती हैं फ्यूज्ड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम नेजल बोन, क्योंकि नीचे का एरिया जो है वो कार्टिलेज का है, बोन केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं नेजल बोन। अगेन नेजल बोन कितनी है 2 इन नंबर, अब आ जाइए ठीक है ये वाला एरिया पूरा कार्टिलेज का है, यहाँ टिप में जो आपकी होती है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ टिप में नीचे से जो आपकी आप बोल सकते हो बॉटम से आपको कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये कौन सी बोन है आपकी वोमर, कौन सी है वोमर, वोमर कितनी होती है 1 इन नंबर, यहाँ पे जो है ठीक है टिप में जो आपके फ्लोर से कनेक्ट कर रही है बेसिकली नोज को, तो ये वोमर हो गई। नेक्स्ट वी हैव द इंफीरियर नेजल
कॉनकेव। अब ये कौन सी बोन है? इंफीरियर नेजल कॉनकेव, और इसको एक और टर्मिनोलॉजी आप दे सकते हो उसके बदले, इंफीरियर टर्मिनेट बोन्स। ठीक है, देखो नेजल कैविटी के अंदर, अगर आप नेजल कैविटी में अंदर देखोगे, मैंने आपको जब नोज पढ़ाया था एनाटॉमी, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कॉनकेव्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टर्मिनेट बोन भी बोलते हैं। बेसिकली ये कॉनकेव क्या करते हैं, रूफ सर रू, आप बोल सकते हो रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब एयर हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हो, आप एयर इनहेल करते हो, तो ये एयर इन कॉनकेव से टकराती हुई अंदर जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये कॉनकेव से टकराती है तो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे रह जाते हैं, और आगे जो एयर जाती है वो कैसी होती है, आपकी डस्ट फ्री एयर होती है। तो दिस इज हाउ कॉनकेव वर्क, कॉनकेव का मेन काम यही होता है। प्लस जब आपका एयर टकराती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है ना। तो दीज आर द टर्मिनेट बोन। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ टर्मिनेट बोन, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर और मिडिल जो होती है बहुत ऊपर होती है, तो उसे हम फेशियल बोन में इंक्लूड नहीं करते। केवल आप किसको इंक्लूड करोगे, इन्फीरियर, जो सबसे नीचे वाली है ना उसे आप इंक्लूड करोगे। तो ये आपकी कौन सी हो गई, नेजल कॉनके। अगेन दोनों साइड में एक एक है, तो हम कितना लिखेंगे, नंबर टू। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेजल का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ओरल कैविटी। जब आप माउथ को ओपन करोगे, आप अपने टंग से फील कर सकते हो, आपके माउथ का एक अपर फ्लोर है, एक लोअर फ्लोर है। ठीक है, टंग से फील करो, अपर फ्लोर एंड लोअर। अपर फ्लोर देखो हार्ड है, टंग से ऊपर वाले सरफेस को टच करो, हार्ड है, उसे क्या बोलते हैं हम, हार्ड पैलेट। और नीचे वाले फ्लोर को टच करो टंग से, सॉफ्ट है, उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। तो दो टाइप की बोन हमारे पास प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सो द टोटल नंबर विल बी टू। ओके, तो ये आपकी क्या है, पैलेटाइन बोन हो गई। इसके अलावा आपकी कौन सी बोन रह रही है, नेक्स्ट वी हैव लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन मतलब दोनों साइड, जो आपके ऑर्बिट है ना, दोनों साइड ऑर्बिट के सीधे साइड में, साइड कॉर्नर में आपकी दो बोन्स प्रेजेंट होती है। लेक्राइमल क्यों बोला, ये वहां पे प्रेजेंट होती है जहां पे लेक्राइमल डक्ट होती है। लेक्राइमल डक्ट से क्या होता है, सारा लेक्राइमल फ्लूड बाहर निकलता है ना, तो वही वहां पे जो बोन है आपकी साइड में, आइस के सबसे साइड में जो बोन है उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्राइमल बोन। दोनों साइड एक एक बोन है, तो क्या लिखेंगे, अगेन द नंबर विल बी टू। लेक्राइमल जो नेम दिया हुआ है लोकेशन के हिसाब से दिया है, बिकॉज जहां पे लेक्राइमल डक्ट है वहीं पे ये बोन प्रेजेंट है, वहीं पे ये डक्ट ओपन होती है बेसिकली। सो दीज आर द बोन्स ऑफ फेशियल टाइप। सो काउंट करके देखते हैं, 2 + 2 = 4 + 5 = 6 + 7 = 8 = 10 = 12 = 14। सो टोटल 14 हो गया कवर। तो आपने स्कल की 22 बोन्स अलोंग विद देयर नेम एंड नंबर सारा स्टडी कर लिया है। तो 22 बोन्स आपको टिप्स में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। क्लियर है, ओके। सो स्कल की बोन हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद अदर बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। 22 बोन्स वी हैव कंप्लीटेड, so 22 completed, okay। next skull के अलावा कौन सी बोन हमारे पास प्रेजेंट है। स्कल के अलावा जो नेक्स्ट बोन हमें मिलती है, ठीक है, वो कौन सी है, देखो यहीं पे इसे कर लेते हैं कवर, हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन कौन सी होती है, ये आपके क्या है, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर एक बोन प्रेजेंट होती है जिससे आपकी टंग अटैच होती है। ठीक है, जो आपकी टंग है आगे से तो फ्रीली मूव कर रही है बट पोस्टरली अटैच्ड है ना, तो किससे अटैच्ड है, आपकी हायोइड बोन से। तो कितनी होती है हायोइड बोन, टंग कितनी है आपके पास, एक, तो हायोइड बोन भी कितनी है, एक। तो ये क्लियर हो गई, एक बोन यहाँ पे हमने कवर कर ली। नेक्स्ट आ जाते, स्कल हो गया, हायोइड बोन हो गई, नेक्स्ट वी हैव एयर ऑसिकल्स। अब एयर में भी आपको पता है बोन होती है, कौन सी होती है एयर में बोन, ईच एयर वी हैव थ्री बोन, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, है ना, तीन बोन होती है ना दोनों कान में, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 3 + 3 = 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा बट मेंशन कर देती हूँ मैं, मेलियस, सेकेंड वन इज इनकस एंड द लास्ट वन इज स्टेप्स। सो देयर विल बी टू मेलियस,
टू इनकस टू स्टेप, सो द टोटल नंबर ऑफ बोन विल बी 6. तो ये एयर ऑसिकल्स है जो आपके कान में जो आपकी बोन प्रेजेंट है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है. तो 6 बोन ये कवर हुई. नेक्स्ट हम करेंगे क्या, रिब्स. ओके, या आप ऐसे लिख सकते हो रिब केज. पूरा केज की बात करते हैं, पूरा जो रिब केज है आपका, जिसके अंदर आपको पता है आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपका लीवर है. तो ये जो रिब केज है ये भी पूरा बोन से मिलके बना है. कौन कौन सी बोन होती है बेटे? रिब्स कितने होते हैं आपके? नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर होते हैं ना. सो राइट इट हियर 12 पेयर. सो 12 पेयर मतलब कितनी बोन हुई? 24 बोन्स हो गई. और ये जो आपके रिब्स होते हैं, ठीक है 12 पेयर है, लेकिन किससे अटैच्ड होते हैं? सेंटर में एक बोन होती है ना, क्या बोलते हैं उसे? स्टर्नम. सो हम लिखेंगे सेकेंड जो बोन है वो क्या है? स्टर्नम, जिससे आपके रिब्स अटैच्ड हैं. तो टोटल स्टर्नम कितनी है? 1. तो 24 + 1 = 25 बोन. अब बात ये आती है कि जो रिब्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें सबको पता है कि 12 पेयर होते हैं रिब्स के, ठीक है. तो जो स्टार्टिंग के जो 7 पेयर होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स. क्यों बोलते हैं उन्हें ट्रू रिब्स? बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम. सेंटर में जो स्टर्नम है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ने क्या बोला? ट्रू रिब्स. उसके बाद जो रिब नंबर 8 है, रिब पेयर नंबर 8, 9 and 10, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स. फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं. ये तीनों के तीनों 7th पेयर से अटैच्ड होते हैं. जो पेयर नंबर 8 है, 9 है और 10 है, ये तीनों किससे अटैच्ड होते हैं? पेयर नंबर 7 से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके. और 7 आपका स्टर्नम से जुड़ा है ना. तो 8, 9, 10th को आप क्या बोलोगे? फॉल्स रिब्स, बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम. अटैच जरूर है लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है. ये तीनों मिलके 7 से अटैच्ड है और 7 अटैच्ड है आपका स्टर्नम से, इसीलिए आपका पेयर नंबर 8, 9, 10 क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब. अब जो रिमेनिंग 2 है, पेयर नंबर 11 and 12, दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. Why they are called as floating ribs? Because वो आपके स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते हैं. They are floating. वो केवल आप बोल सकते हो आगे से वो ऐसे ही खुले हुए हैं, वो अटैच होते ही नहीं है. जैसे आपके 8, 9, 10 इनडायरेक्टली अटैच थे, बट अटैच तो थे ना. लेकिन जो आपका 11 और 12 पेयर है वो क्या है? आपका फ्लोटिंग है, वो अटैच नहीं होता है. फ्रंट से वो स्टर्नम से नहीं जुड़ा है, बट बैक साइड से वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं. तो आगे से वो कहीं अटैच नहीं है, इसलिए उन्हें क्या बोला? फ्लोटिंग रिब्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिब केज. नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट वी हैव, यहां पे कर लेते हैं, वर्टिब्रल बोन. सो वर्टिब्रल बोन आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी बोन होती है. 26 बोन होती है हमारे पास वर्टिब्रल बोन. कौन कौन सी होती है वर्टिब्रल बोन? आप स्टार्ट कर सकते हो. वर्टिब्रल बोन सबको पता है ना, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पूरा, है ना. यहाँ से आपका सर्वाइकल से एक्सटेंड होता है, आपके नेक पोर्शन से एक्सटेंड होता है और पूरा आपका लोअर बैक तक जाता है ना. जो आपकी टेल जिसे बोलते हैं हम कॉकिक्स, वहां तक ये रन करता है. तो सिंपली जो वर्टिब्रल बोन है कितनी है? 26 है. स्टार्ट होंगी नेक से, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है. जो आपकी नेक में जो आपका वर्टिब्रा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सर्वाइकल. इसीलिए वो बोन को भी क्या बोलोगे आप? सर्वाइकल बोन. ठीक है, सर्वाइकल बोन कितनी होती है आपकी? 7 इन नंबर. सो हियर आई एम राइटिंग इट. चलिए, सबसे पहला जो वर्टिब्रल बोन है वो कौन सा है आपका? सर्वाइकल. नेक से स्टार्ट होता है तो सर्वाइकल से ही स्टार्ट करेंगे. सर्वाइकल रिप्रेजेंट करते हैं नेक को. ठीक है, सर्वाइकल बोन कितनी होती है? 7 होती है इन नंबर. अब नेक से थोड़ा नीचे आ जाइए, कौन सी बोन होती है आपकी? थोरेसिक बोन. ये बेसिकली वो एरिया है जहां पे आपके लंग्स वगैरह रहते हैं. बैक साइड से अगर लंग्स वाले एरिया के कॉम्प्लीमेंट्री आप देखोगे तो कौन सी बोन है? थोरेसिक है. और थोरेसिक कितनी होती है आपकी? 12 होती है, ध्यान रखिएगा. थर्ड वन भी है आप. थोरेसिक के बाद आता है हमारा लंबर. ठीक है, लंबर आपका वो वाला एरिया है जहां पे आपकी किडनी वगैरह प्रेजेंट रहती है. तो लंबर कितनी होती है बोन? अगेन 5 होती है नंबर. देखो नेक्स्ट हमारे पास जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं सैक्रम. सैक्रम होती है 1.
ये बेसिकली जो आपकी सैक्रल वर्टिब्रा होता है ना, कितने होते हैं सैक्रल वर्टिब्रा? 5 होते हैं ना, 5 फ्यूज हो जाते हैं और एक बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? सैक्रम। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो बोन है वो केवल एक ही है, ठीक है, क्योंकि सैक्रल होने को वर्टिब्रा 5 है लेकिन फ्यूज होके क्या बनाते हैं? एक, जिसे आपने क्या बोला? सैक्रम। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट इज कोकिक्स। कोकिक्स भी कितनी है? 1। तो ये कोकिक्स कैसे बनती है? हमारे पास कोकिजियल जो वर्टिब्रा है कितने होते हैं? 4 होते हैं नंबर, लेकिन जो 4 हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और एक बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कोकिक्स। ओके, सो काउंट करिए टोटल कितना आने वाला है आपका? 26 बोन्स। तो ये हमारी वर्टिब्रल बोन हो गई 26। तो अब आपके पास सारी बोन है, आप इन्हें काउंट कीजिए, टोटल कितना बन रहा है? स्कल आपके पास 22 है, ठीक है। हायोइड बोन कितना रहा आपका? 1 हो गया, तो काउंट कर लेते हैं। चलिए 22 + 1 प्लस एयर ऑसिकल कितने हैं आपके? 6। नेक्स्ट 25 हमारे पास क्या है? रिब केज में बोन है। 26 हमारे पास क्या है आपकी? वर्टिब्रल बोन है। इसके अलावा आपके पास, इनको काउंट कर लेते हैं हम, कितना हुआ आपका? 6 × 12, 12 + 6 करिए 18, 18 + 2 कितना हुआ? 0, 2 कैरी, 2 + 2, 4, 6, 7, 8। तो 80 बोन आपकी कंप्लीट हो गई। तो अभी तक हमने एक्सियल स्केलेटन की कंप्लीट स्टडी कर ली है, कौन कौन सी बोन होती है, कितनी होती है, ठीक है, ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। टिल देन इसे आप रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा आप इसे कॉन्टिन्यूसली अपनी रूटीन में लाएंगे, जब आप अपने बॉडी के पार्ट्स को बोन्स के हिसाब से बोलने लगेंगे ना, तो आपको एकदम से ये चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगी। टाइम लगेगा बट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।